प्लेटफॉर्म के तवसत से आपसे ये सवाल करता हूं, आपकी कुव्वत ईमानी को झंझोड़ता हूं कि क्या आज बहसियत कौम हमारे हाथों और हमारी जबानों से हमारे दूसरे भाई महफूज हैं? हम ही लोगों में से हैं जो आका असलाम और मुल्क दुश्मन अनासिर जो ये इस वक्त देख रहे हैं, आज उसी कयादत में, उसी कयादत के जेरे नगीन ये मुल्क दुनिया की एक माशी ताकत बनने जा रहा है। और रोजे अव्वल के इक्तदार को इस 16-18-20 करोड़ आवाम ने उनके हाथों में दी, तो रोजे अव्वल से ही बदकिस्मती से, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक नए बलबले, एक नए अजम, एक नए हौसले के साथ आए थे कि ज़ेर साया और उनके इक्तदार में अगर ये मुल्क तरक्की की ये मंजिलें तय करता, उसका मकसद सिर्फ यही था कि जब सियासत में आए, प्रैक्टिकल सियासत में 1985 में आए तो इलेक्ट हुए एमपीए, क्योंकि सुई गैस जो है वो बहुत बड़ा महंगा आइटम है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसके लिए हमें हुकूमत पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए दिए इनके मंसूबे के लिए, और आज अल्लाह की मेहरबानी से
इनका ये मंसूबा जो है आज शाह का मुकम्मल हो चुका है। नीचे जमगाव है, गुलाबाद है, आगे फिर जो हमारे कॉलोनीज हैं उन सबको भी गैस जो है वो मिल चुकी है और अब ये मला मंसूर की तरफ पाइप चले गए हैं और वहाँ पर काम शुरू है। मुझे याद है कि आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक दफ़ा आजिशा एक स्कूल में आया था, बच्चियों का स्कूल था, तो उस पर मुझसे ये मुतालबा किया गया कि हमें यहाँ सुई गैस दी जाए, तो मैंने कहा कि कोशिश होगी इंशाल्लाह, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो वादा पूरा हो रहा है और उनको भी मिल रही है। आपने अली साहब ने कहा है कि आगे छपर शरीफ है, अट्टा खुर्द है, मलाई टोला है, तो यकीनन उनका भी हक है और इंशाल्लाह आइंदा जो जून में हमारा माली साल आ रहा है उसमें इंशाल्लाह इन जातों को भी गैस हम दे देंगे इंशाल्लाह। छप्पर शरीफ वाले को बैठे हैं यहाँ पर, मलाई टोले के भी हैं, बस इंशाल्लाह 3 महीने रह गए नए बजट को, तो नए बजट में क्योंकि इसके लिए पैसा दरकार है, दोबारा ये इंशाल्लाह आपका मुतालबा पूरा कर देंगे। इस वक्त ये जो मानसर की हमने सड़क बनाई, आगे फिर मानसर के पहले पिछले 5 साल में आधा गांव को हमने गैस दी, अब आधा अब मुकम्मल हो रहा है। खरखेल का पाइप जो है वो मुकम्मल हो चुका है, गड़ी मतनी में 1 किलोमीटर पाइप रहता है, वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन पहुंच जाएगा, वो भी आइंदा 10 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। तो इस वक्त तकरीबन वरुष्टी से लेकर मला मंसूर तक कोई गांव ऐसा नहीं जहां पे हमारा सुई गैस का काम ना हो रहा हो, और ये एक चूँकि लोगों की बुनियादी ज़रूरत है इसलिए मेरी भरपूर कोशिश थी, बात को सोचता भी हूँ। हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि जी हमने अपने दौर में बहुत तरक्याती काम करा, और जब मैं 2008 के इलेक्शन में आया तो मैंने जिस गांव में जाता था कहते थे जी सुई गैस नहीं है, ये मेरे पीछे इम्तियाज खान बैठे हैं सिरके के, जरा ये बताएं कि इनकी सड़क की हालत क्या थी, और वो सड़क पर हमने जो शादी खान सिरका से शुरू की, सिरका से फिर वो सड़क जो है हजरों को क्रॉस करती हुई शाहढेर और जाके खवानी पे ख़त्म हुई, इसमें 35 देहातों को के अंदर से ये सड़क हमने गुजारी है। इस तरीके से मानसर की क्या हालत थी वो आपके सामने है। अब जिस तरह अजय चंद साहब ने भी कहा कि अजय शाह की गलियाँ टूट गई हैं, यकीनन टूट गई हैं, जिस गांव में भी हम गैस डालते हैं वहाँ पर गलियाँ तो टूटती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस आने वाले बजट में इन गलियों को पुख्ता करेंगे और बेहतर अंदाज में बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह